Hey guys, what's up and good morning to all of my friends. Today I'm going to shoot a vlog because आज मेरे दोस्तों के साथ कुछ प्रोग्राम हो गया छोटा मोटा पिकनिक करने का और मैंने सोचा कि आज तो वीडियो शूट नहीं कर सकते, चलो एक छोटा सा ब्लॉग बना देते हैं आप लोगों के लिए। उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा, जैसे आप लोग मेरे हर वीडियो पे प्यार मोहब्बत देते हो उसी तरह इस वीडियो को भी दो। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूँ सभी का लोकल गुरुजी यूट्यूब चैनल में। चलिए आज कुछ ब्लॉग देख लेते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे न्यू कैंपस हॉस्टल में, आप देख सकते हैं बॉयज हॉस्टल का नज़ारा। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लाइटिंग थोड़ी ठीक आ नहीं रही है और बाकी ये हॉस्टल बॉयज को कुछ लेना है, पिक करना है, फिर चलेंगे हम लोग पंचलिंगेश्वर की तरफ। तो देखते हैं बॉयज क्या कर रहे हैं, अभी तक रेडी हुए हैं या नहीं, तब तक के लिए बाय बाय। सो ये पेंट है ज्योति का, लेकिन आयरन मुझे करना पड़ा है, सोच रहा हूँ एमसी खत्म होने के बाद एक लॉन्ड्री का दुकान खोल दूँ। तो बेसिकली सीन ये है कि हम लोग अभी लेडीज हॉस्टल के सामने खड़े हैं और हम लोग को नहीं लगता अभी कोई जाने वाला है, क्योंकि अभी तक 11 बज चुके हैं। फाइनली डिसाइड हुआ था कि 9:30 बजे हम लोग सब पंचलिंगेश्वर पहुंच जाएंगे, लेकिन अब कोई भी तैयार नहीं हुआ है अभी तक। हम लोग बैठे हैं राहुल के कार में, आप देख सकते हैं, और बहुत ही बुरा लग रहा है कि हम लोग जिस जल्दी पहुंच जाते तो थोड़ा अच्छा एंजॉय करते उस जगह। चलो देखते हैं, अभी तक तो कोई आया नहीं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं पंचलिंगेश्वर, हमने टिकट भी करा ली है बाइक की कार की, और कुछ दोस्त हम लोग के पीछे हैं, चलिए देखते हैं उनकी तरफ चलते हैं। देखते हैं गाइस, ये है राजीव और ये जो पंडा, ये ज़्यादा बात बोलता है, मेरे को हमेशा कमेंट मारता रहता है मेरे वीडियो में, जैसे वीडियो बनाता है। ठीक है, चेहरा ध्यान से देख लो, ठीक है, हमेशा बैड कमेंट देता रहता है। ये है राहुल। फाइनली इतने समय के बाद हम जा रहे हैं थोड़ा घूमने फिरने, देखते हैं क्या होता है। ये देख सकते हैं जंगल का पूरा नज़ारा। तो इतने समय के बाद हम लोग जा रहे हैं घूमने, और आपको बता दूं सिंगल लड़के के लिए मुश्किल यही होता है कि सुबह उठो, पानी गर्म करो, नहाओ धो। भाई सुबह 8 बजे से मैं उठ के नहाया धोया, फिर सोचा कि सबको पिक कर लूं, लेकिन इन लोग है कि सुनते ही नहीं है, जैसे बोलते नहीं सिंगल लड़के हमेशा इरेस्पॉन्सिबल होते हैं, और इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, मेरे को सुबह 8 बजे बुला दिया, लेकिन इन लोग आके पहुँचे 11:30-12 बजे के बीच में। तो अब हम आपको दिखाते हैं जंगल का कुछ नज़ारा जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। दोस्तों सफ़र बहुत लंबा है और हमें पैदल चलना है, ठीक है, बात ये कि हमको पैदल चल के जाना है, और हम लोग चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। ये जंगल का पूरा नज़ारा है, नहीं उस जगह पे पहुंचे नहीं है जहाँ पे सीढ़ियाँ शुरू होती हैं, जहाँ पे सीढ़ियाँ शुरू होती हैं वहाँ पे भाई पैर हाथ दर्द करने लग जाता है, पसीना छूट जाता है इंसान का। ठीक है, अगर आप सुबह से कुछ खाए नहीं हो पिए नहीं हो और चले जा रहे हो चले जा रहे हो, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हम लोग को तो ऐसा ही आदत पड़ चुका है इस जगह का। ये थोड़ा पीछे का नज़ारा, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, रास्ता यहाँ पे थोड़ा ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे जो रास्ता है बहुत काम नहीं हुआ है, और यहाँ से साइड से पानियों की शोर आ रही है और ऐसे झरना जैसा बह रहा है पानी। दोस्तों जंगल तो बहुत पुराना है, ये देख सकते हैं पहाड़ का नज़ारा। क्या होता है प्रॉब्लम, ऊपर की तरफ चढ़ाई करना, क्योंकि हम अभी रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, ऊपर की तरफ चढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऊपर की तरफ जो है चट्टाने हैं, और आते वक्त आपको बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि आते वक्त आपके पास स्लीपिंग जैसा होता है। देख सकते हैं चारों तरफ दुकान ही दुकान, और यहाँ पे बहुत सारे सजाए हुए दुकान हैं जो कि आपको पसंद आने वाला है। ठीक है, कुछ बच्चे जो हमारे साथ चल रहे हैं, मतलब यानी कि 6-7 लोगों का गैंग जा रहा है अभी हमारे साथ, लेकिन अभी 10-15 बच्चे गायब हैं, क्योंकि वो लोग ऊपर की तरफ गए फोटो शूट करने, और हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ, सारा काम भी देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, और साथ ही साथ ये नज़ारा भी आप देख सकते हैं। रास्ता बहुत ख़राब है, अभी तक रास्ता ठीक आया नहीं है, हम लोग अभी सीढ़ियों की तरफ नहीं पहुँचे, जब सीढ़ियों पहुँच जाएंगे तब तो मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी हमारे लिए। तो देखते हैं, शुरू होता है पंचलिंगेश्वर का मेन गेट, जो कि यहाँ से शुरू होता है, अब सीढ़ियाँ भी शुरू हो गई है। दो तरफ बहते हुए पानी और चारों तरफ पशु पक्षियों का शोर, सच में कहा है खुद पर, सच में कहा है कुदरत ही कुछ आसान है। अब देख सकते हैं सीढ़ियाँ शुरू हो गई, पता नहीं यहाँ कितनी सीढ़ियाँ हैं, गिन के आपको बताऊंगा जरूर। ठीक है, दोनों तरफ पानियाँ बह रही है, अब मुश्किलें बढ़ जाएंगी, अब सीढ़ियाँ शुरू होने लग गई हैं। तो बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ हमारे तरफ व्यू, कितने बच्चे सीढ़ियाँ चढ़ मुंडा, जो कि हमेशा अपने शॉर्ट पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है, कभी चलो कोचिंग की पे, कभी सेक्सी मुंडा, कभी ले जाऊंगा तुझे हवेली पे,
और हम लोग अभी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। बेसिकली पीछे भी कुछ लोग हैं क्योंकि चल रही है हमारे रोजा डाली। हाय हाउ ज्योति, व्हाट इज हाउ? सो बेसिकली हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ और देखेंगे कुछ नजारे जो कि पहाड़ के हैं और साथ ही साथ भगवान के भी दर्शन ऊपर में हो जाएंगे। ठीक है, तो काफी लंबा सफर है, यानी कि हम लोग तो अभी फिट हैं इसलिए ऊपर चल जा रहे हैं, लेकिन जो लोग ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं उनको क्या होता होगा सोच लो। हालांकि पहले कुछ साल पहले यहाँ पे पहाड़ जैसा कुछ नहीं था, सबको सीढ़िया वीडिया नहीं मिलता था चलने के लिए, होते हैं अब ऊपर की तरफ चढ़ाई, चारों तरफ जंगल ही जंगल। तो बेसिकली ऊपर की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं और बाकी बहुत ही काफी लंबा सफर है। आज झरने का शोर से बहता हुआ पानी और साथ ही साथ हम पहुंच चुके हैं मंदिर के आसपास। ये साथ में चल रहे हैं कुछ भैया दोस्त और इस तरफ राहुल हंसते हुए मुस्कुराते हुए खिलखिलाते ऊपर चढ़ रहे हैं। चढ़ तो जा रहे हैं लेकिन पता नहीं नीचे कितना जल्दी उठेंगे। ठीक है, अब बहुत मुश्किल हालात हो रहा है हमारे लिए। ये तो हमारे दोस्त हैं जो पहले ही आ चुके थे, लेकिन मज़ा बहुत लिया है इन लोगों ने। ठीक है, कार में बैठ के आया, हम लोग को बाइक में पहलना पड़ा। ठीक है, धूप। अब ये कुछ मंदिर की नज़ारे। ठीक है, माय गॉड, देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ किस तरह चढ़ा जा रहा है। यहाँ पे सीढ़ियों पे सीढ़ियाँ, सीढ़ियों पे सीढ़ियाँ, पूरा नज़ारा जो दिख रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा है। दुनिया कैसी दिखती है, छोटा छोटा नज़ारा है, नज़ारा देखिए कैसा लग रहा है ये नज़ारा। आ गए आप, आ गए आप। अभी हम सेक्सी मुंडा को यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, अभी कुछ फोटो शूट करेंगे तो हम चलते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, तो बेसिकली ऊपर की तरफ कुछ खास चीज़ें नहीं हैं जो कि आप देख सकते हैं। इस तरफ कुछ मंदिर हैं और ये ऊपर की तरफ नज़ारे घर वगैरह। सो फाइनली हम पहुंच गए यहाँ पे ऊपर की तरफ। जंगल के लिए है रास्ता और जंगल के पीछे बाघ भालू पता नहीं क्या मिलेंगे, हाथी वगैरह कुछ भी। रूम नंबर ये पूरा नज़ारा जो है साफ दिख रहा है। और यहाँ पे हमारे ग्रुप मेंबर कुछ बैठे हुए हैं। अब हम जा रहे हैं पंचलिंगेश्वर जो बोलते हैं, पंचलिंगेश्वर को जो छूना होता है। ठीक है, उस तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये हमारे दोस्तों की फोटो वोटो उठा रहे हैं। स्वागत तरफ से बहता हुआ पानी। यहाँ पे क्या करते हैं कि लिंग को छुआ जाता है और आशीर्वाद लिया जाता है। और इस तरफ हमारे बैठे हैं राहुल के भैया, ये उधर बात कर रहे हैं उनकी दीदी से। और इस तरफ पानी का नजारा और ये फोटो उठाते हुए हमारे भाई स्वागत देख सकते हैं। और ये हमारी प्यारी सी परी पल्लवी है, पल्लवी। और ये रहे डियो एंड रोजाली। बेसिकली जिन लोग को नहीं पता कि उस तरफ जाते हैं पानी के अंदर में आपको हाथ डालना पड़ता है, हाथ डाल के वहाँ पे पंचलिंगेश्वर है वहाँ पे आपको छूना पड़ता है। ठीक है, पहले आपको तीन चार मिल जाती हैं लेकिन जो जो नसीब वाले हैं तो उनको पांच मिलता है, तो पता नहीं कौन नसीब वाला है और किसको पांच मिलने वाले हैं। ठीक है, फाइनली अब वापस जाने का वक्त हो गया और हम सब चल दिए अपने मंजिल की तरफ। अब छोड़ के जा रहे हैं पंचलिंगेश्वर को और हम अब जाएंगे वापस अपने कैंप पे और करेंगे कुछ खाना पीना और पंचलिंगेश्वर घूम लिए, पंचलिंगेश्वर दर्शन कर लिए और बाकी कुछ नहीं रहा। चलिए देखते हैं दोस्तों, नीचे की तरफ सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं, खाना पीना हो जाएगा, फिर हम वापस तीन चार बजे अपने घर। ठीक है, फिर पहले ये लोग मेकअप लेके बैठे हुए थे लेकिन आप देख सकते हैं मेकअप उतरने के बाद इन लोग का चेहरा कैसा दिख रहा है। ये और नीचे की तरफ हम लोग जा रहे हैं और मज़ा आने वाला है क्योंकि इतना नहीं ले गया और नहाना धोना भी हो गया है और बाकी सेक्सी मुंडा के साथ चल रहे हैं हम अपने टेम्पो की तरफ।